सबसे ज़्यादा आश्चर्य हुआ लोगों को जब शी जिनपिंग को आपने अपने बर्थडे पर बुलाया, गुजरात में बुलाया, झूला झुलाया, साबरमती पर घुमाया। क्योंकि चीन के राष्ट्रपति की, प्रधानमंत्री की इमेज तो हमारे जीवन में ऐसी होती थी, बिल्कुल कुछ बोलेंगे नहीं, माउस से तो ये अगर स्माइल कर दिए तो बड़ी खबर होती है, माउस स्माइल। वो आपके साथ झूला झूल रहे हैं। इसमें भी एक कहानी है जी। मैं जब प्रधानमंत्री बना तो दुनिया के देश के लोग एक कर्सी कॉल करते हैं, आपको बधाई देते हैं। तो राष्ट्रपति शी का फोन आया। मेरा उनसे कोई परिचय नहीं था, पहली मुलाकात टेलीफोन पे हुई। तो फोन पर स्वाभाविक हम कहते हैं, उन्होंने मुझे कहा कि आप चाइना आइए, मैंने कहा आप हिंदुस्तान आइए, तो ये कर्सी होती है। उन्होंने कहा कि भाई मुझे तुम्हारे गांव जाना है। फोन पे कहा पहले ही दिन। मैंने कहा मेरे गांव जाना है आपको? तुमको प्रोनाउंसिएशन मालूम था? बोले वडनगर जाना है। बोले मालूम है वडनगर मुझे क्यों जाना है? मैंने कहा मुझे मालूम नहीं है। बोले ह्यूएन संग, जो चीनी फिलोसोफर 800,000 साल पहले यहाँ आया था, बोले वो तुम्हारे गांव में जाके रहा था और जब भारत से लौटा तो मेरे गांव में आके रहा था। तो बोले हम लोगों का बड़ा दाता है। मुझे ये तो मालूम थे कि ह्यूएन सिंह भारत आए थे, मेरे गांव में रहे थे। उस समय जहां मेरा जन्म हुआ वहाँ 10,000 बौद्ध भिक्षुक की एक ट्रेनिंग सेंटर चलता था, हॉस्टल चलता था, पता। और वो सब ह्यूएन सिंह के वर्णन में है। तो बोले इसलिए मुझे गुजरात आना है। फिर डेट उन्होंने तय की। तब मुझे भी मालूम नहीं था कि डेट तय करने के पीछे मेरा जन्मदिन है। फिर वो आए, बाकी तो जो कार्यक्रम था वो हुआ। उसके बाद हम दोनों दिल्ली आए, दिल्ली में मीटिंग हुई। शायद 1962 के बाद चीन के किसी नेता का इतना बड़ा स्वागत उस दिन हुआ, क्योंकि 62 का एक उसके बाद एक बदलाव शुरू हुआ और भारत और चीन के एंगेजमेंट बढ़ने लगे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी को ये बात पसंद नहीं है। उनका ट्वीट मैंने देखा था, उन्होंने कहा कि झूला झुलाया, गले लगाया, क्या पाया। और ये भी कहा मोदी जी तो शी जिनपिंग से डरते हैं। आप कपिल शर्मा के शो की स्क्रिप्ट लिखते हैं क्या? भाई एक पुरानी, सबसे पुरानी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वो ट्वीट करते हैं, तो क्या करें? उस पार्टी को सोचना चाहिए। अब वो कई दिन से कह रहे थे कि देखिए मसूद अजहर पर फैसला नहीं आया, मसूद अजहर पर फैसला नहीं आया, शी जिनपिंग ने अटका के रोक दिया मोदी जी को। इनकी समस्या ये है कि वो मोदी का पूरा अध्ययन नहीं करते हैं। वो अगर अध्ययन करते हैं तो शायद 50-60% तो समझ सकते थे कि अब मोदी इस रास्ते से जा रहा है तो उधर जाएगा। लेकिन ये मेहनत नहीं करते। अब ये उनका प्रॉब्लम है। दूसरा, उनको जो बाहर के लोग दाना पानी डालते हैं उसी को, उसमें से वो चीज बनाने की कोशिश करते हैं। आप देखिए वो कह रहे हैं कि मसूद अजहर को इलेक्शन के टाइम पे उनको डेजिग्नेट कर दिया टेररिस्ट। तो इनका प्रॉब्लम क्या है जी? पुलवामा हुआ और एकदम चालू पड़ गए, मोदी क्या कर रहा है। 40 लोग मारे गए, आपने देखा होगा, सुबह शाम मोदी क्या कर रहा। अब किया तो किया क्यों? इसलिए या तो वो धीरज रखें, इंतजार करें मोदी कुछ कर ना बैठे। उसी प्रकार से हमारे पायलट, जब ये दूसरे दिन जब घटना सुबह हुई 28 तारीख को, उनका एक F-16 हवाई जहाज तोड़ दिया, उनके पायलट मारे गए। लेकिन पाकिस्तान ने बड़े उत्साह में कह दिया कि हमने भारत का ये कर दिया, तो यहाँ इतनी खुशी हो गई इन लोगों को, अब मोदी बराबर शिकंजे में आया। और वो तो, और उसमें पता चला भारत का पायलट कैद किया गया है। अब उनको उनके जमाने का अनुभव था कि अब 2-4 साल तक तो आने वाला नहीं है। और इसलिए उनको लगा कि पायलट वाला मामला ऐसा है कि मोदी का बालाकोट और 1000 किलो का बम ये सब मिट्टी में मिल जाएगा। और कहते हैं कि शाम को कैंडल मार्च के कार्यक्रम भी तय हो चुके थे, पूरे देश में सूचनाएं जा चुकी थी, और अब मोदी बच नहीं सकता है। अब शाम को 4 बजते मामला बदल गया, उनकी बाजी उलट गई। अब ये मैं हैरान हूं जी, जो जो देश की सरकारों का एनालिसिस करने की जो पिछले 25-30 साल से जिन लोगों का आदत है ना, वो आज भी उसी पैरामीटर, उसी तौर तरीके से मेरी सरकार का भी एनालिसिस करते हैं, और इसलिए इनके सारे हिसाब किताब गलत निकलते हैं। अब ये